कस्टमरों को बोल रहा है कि हमने पैसा दिया है, देखो कितना पैसा बढ़ा रहे तो लेके जा, बंद क्यों करता है? एडवांस में दिया है हमारा चैनल पर बंद कर दिया, कितना बढ़ाया कितना बढ़ा रहे हैं? तो कस्टमर से हमारी लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? हमारे को जरूरत नहीं है, हम देने को तैयार है ना। ये कोई दूसरे लड़ाई किसी और मकसद के लिए लड़ी जा रही है, कस्टमर के लिए लड़ी नहीं जा रही ना, ऑपरेटर के लिए लड़ी जा रही है, किसी और मकसद के लिए लड़ी जा रही है, इसका खुलासा होना चाहिए। ये कस्टमर सोच रहा है, ऑपरेटर क्या सोच रहा है? भी यही सोचता है ना, उसका ही मान में होता है। तो फिर अगर ऑपरेटर ये सोच रहा है तो फिर एक प्लेटफॉर्म पे ऑपरेटर क्यों नहीं आता है? सब ये है ना, इसका ही देश सब अलग अलग है सब, और हर एक एमएस अलग है, किसी के इसके इसके थोड़े चैनल चालू है वो शांत है, और दूसरे के एरिया में जाके बहुत डाल रहा है। ये कब तक? मेरा कहने मतलब वो तो हमने इंडस्ट्री जब से बनी है, हाँ, एमकॉफ महाराष्ट्र केबल ऑपरेटर फेडरेशन, आज से 10 साल पहले दादा ने कहा था कि हम सबको इकट्ठा लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ट्राई से 5 साल पहले सवाल किए थे, उसका अभी तक जवाब एमकॉफ को नहीं मिला। तो आप क्या समझते हैं कि ऑपरेटर जो कर रहा है वो क्या रहेगा? वो इंडस्ट्री में ही नहीं रहेगा, वो ऑपरेटर नहीं रहेगा। ब्रिटिशों ने पहले ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी चल रही है हमारे ऑपरेटर के साथ, ऑप्शंस इतने मिले कस्टमर को, उसको डिवाइड रूल की भी जरूरत नहीं। नहीं ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, आज ऑपरेटर कहाँ रहा? नहीं रहेगा ऑपरेटर, टेक्नोलॉजी बंद हो जाएगी, ऑपरेटर नहीं बचेगा।